तो आज आम गोटे नुआ चैप्टर आरंभ करवा सरफेस केमिस्ट्री। तो आम सॉल्यूशन रो बहुत किसी चैप्टर सारी देखूँ, दुटा न्यूमेरिकल चैप्टर भी करूँ, आ गोटे न्यूमेरिकल चैप्टर तार भी हम देखिए वीडियो आसव। तो आज गोटे नुआ चैप्टर आरंभ करवा सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री कौन, सरफेस केमिस्ट्री केमी, तो यहाँ टे बहुत इजी चैप्टर अच्छी, बहुत कम दिन सारीदा, तापर पुणी नेक्स्ट चैप्टर को जीवा। तो फास्ट देख सरफेस केमिस्ट्री तरह पढ़ा, फास्ट दुटा टर्म आस गए कौन ना एब्जॉर्प्शन, आ गए कौन आस एडजॉर्प्शन। फास्ट जानवा कौन ना एब्जॉर्प्शन कौन, एब्जॉर्प्शन कौन, एब्जॉर्प्शन कौन। देख एब्जॉर्प्शन तुम्हें शुनी थी, धर गोटे स्पंज तुम पा पकड़े कौन हम ना स्पंजटा सब पा को शोषी नब कौन ना स्पंजटा पूरा एब्जॉर्ब करनी पा को किमी पूरा पूरा भितर को पा को एब्जॉर्ब करनी सहीटा गोटे कौन ना एग्जांपल कह ना एब्जॉर्प्शन। तार डेफिनेशन कौन हम ना लेख इन वन सब्सटेंस, इन वन सब्सटेंस, इन वन सब्सटेंस दि अदर सब्सटेंस, the other substance enters and distributed uniformly throughout the bulk phase such phenomena is known as absorption। ना कौन हला ना मो सहित समस्ते डेफिनेशन को नोट्रे लिखी चलो, मुझे डेफिनेशन डाकुची, डेफिनेशन भल से बुझ कौन एब्जॉर्प्शन आ सरफेस केमिस्ट्री मेन जिनस कौन ना टर्म्स गुड़ाक मेन टर्म्स गुड़ाक सब बुझे चेस्टा कर। एब्जॉर्प्शन कौन कहला आम तुम शुनी थो भी एब्जॉर्प्शन कौन ना इन वन सब्सटेंस दि अदर सब्सटेंस एंटर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रो आउट दि बल्क फेज सच फेनोमेना इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। डेफिनेशन टाक भल से नोट लेख खातर लेख। तो कौन कहला इन ए सब्सटेंस धर एटा गोटे कंटेनर, ए कंटेनर भितर गोटे स्पंज अच्छे, गोटे कौन स्पंज अच्छे, स्पंज अच्छे लिखी दूसरी स्पंज बोली स्पंज अच्छे जदि से आम वाटर पकेबा, यदि वाटर पकेले ताहले कौन ना वाटरटा पूरा कौन स्पंज भितर को कौन ना सब्सटेंस एंटर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली पूरा भितर को पशिजी आउ कौन ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सब पार्ट्रे यूनिफॉर्म अमाउंट रो कौन थी ना कौन थी ना वाटर थी ताकू आम कौन कह एब्जॉर्प्शन कह। तो एग्जांपल आम कौन लिखिपर एब्जॉर्प्शन एग्जांपल कौन लिखिपर ना टी बिस्कुट, जदि बिस्कुटा को आम चा बुड़ा तो कौन बिस्कुट पूरापूरी चा को शोषी नब आ यूनिफॉर्मली देह भितर पूरापूरी चा कौन हम स्प्रेड आउट हो कौन नहीं पार चक इन वाटर, जदि चक नवा आते वाटर पकेबा तो कौन हम चक भितर वाटर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने आम एब्जॉर्प्शन कौन कहले बुझला ना जोटा को आम धर गोटे सब्सटेंस पूरा ता भितर को शोषी नब आउ यूनिफॉर्मली शोषी नब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो देह भितर ताले कौन कह आउे डेफिनेशन पढ़ दूँ ना इन वन सब्सटेंस दि अदर सब्सटेंस एंटर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रो आउट दि बल्क फेज सच फेनोमेना इज नॉट एब्जॉर्प्शन। अच्छा एब्जॉर्प्शन ताले बुझी पार कौन ना एग्जांपल आम ने स्पंज वाटर भी नहीं पार टी बिस्कुट भी नहीं पार चक इन वाटर भी नहीं पार तो एब्जॉर्प्शन कौन बुझी पार। अच्छा ये एब्जॉर्प्शन जितने पढ़ले से दीटा ना ना कौन ना एब्जॉर्बेट
एब्जॉर्बेट आउ कौन एब्जॉर्बेट आउ कौन ना एब्जॉर्बेंट एब्जॉर्बेट आउ एब्जॉर्बेंट यही दुटा टर्म को भल से देख एब्जॉर्बेट कौन आउ एब्जॉर्बेंट कौन एब्जॉर्बेट क्या कहवा एब्जॉर्बेंट क्या कह आम एब्जॉर्प्शन पढ़ुचे एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्बेट क्या कहवा ना एब्जॉर्बेंट क्या कहवा देख एब्जॉर्बेट क्या कहवा जहाँ को शुषिब जहाँ को शुषा जाए कि जी आसिक माने भितर एब्जॉर्ब हम ताको कहवा आम एब्जॉर्बेट आउ जी ताको शुषिब ताको कहवा आम एब्जॉर्बेंट जमीती कि यही केस एब्जॉर्बेट कौटा हम ना यही केस एब्जॉर्बेट हम एग्जांपल नबा ना कौटा हम ना व्वाटर हम आउ एब्जॉर्बेंट कौटा हम एग्जांपल ने स्पंज हम जी आसिक मिसला माने स्प्रेड आउट है सीए हूँ एब्जॉर्बेट आउ जहाँ देहरे स्प्रेड आउट है सीए हूँ एब्जॉर्बेंट तो आम जानचे गोटे सल्यूसन सल्यूसन कौन थाए गोटे सल्यूट थाए आ गोटे सल्भेन्ट थाए जानचे कि ना सल्यूट थाए सल्भेन्ट थाए सल्यूटा कौन ना सल्भेन्ट मिसे आउ सल्भेन्टा कौन ना सल्यूट को ता देहरे मिसाए तो कौन हम ना यही केस रे एब्जॉर्बेट कहाँ सहित मिस एब्जॉर्बेंट सहित तो ये एब्जॉर्बेट कौटा ना सल्यूटा तालोले आम एब्जॉर्बेट को कौन लिखिपर ना सल्यूट लिखिपर आउ एब्जॉर्बेंट को कौन लिखिपर ना सल्भेन्ट लिखिपर बुझिपार ना व्वाटर गला स्पंज रे एब्जॉर्ब हाँपाई व्वाटर मिसला कौथे ना स्पंज रे मिसला आउ सी एब्जॉर्ब है यूनिफर्मली से व्वाटरटा कौन है ना सल्यूट जोटा कह एब्जॉर्बेट आउ स्पंजटा कौन कहवा ना सल्भेन्ट जोटा कहवा एब्जॉर्बेंट जापार सल्यूट एब्जॉर्बेट सल्भेन्ट एब्जॉर्बेंट ना गुड़ा सेम सेम लगुव सल्यूट एब्जॉर्बेट सल्भेन्ट एब्जॉर्बेंट जापार ना कौन ना एब्जॉर्बेट क्या कहवा ना जी आसिक मिसीबो वाटर आसिक मिसला का सहित ना स्पंज सहित आउ जहाँ देह मिसीबो ता कहवा कौन ना एब्जॉर्बेंट बुझिपार क्लीअर ना एब्जॉर्बेट क्या कहवा एब्जॉर्बेंट क्या कहवा एब्जॉर्प्शन बुझिपार आउ थे डेफिनेशन बुझे दूसरी ना इन इन वन सब्सटेंस द अदर सब्सटेंस एंटर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफर्मली थ्रो आउट द बल्क फेज सच फेनोमेना इज नॉन कौन ना एब्जॉर्प्शन तो कौन आम गोटे एग्जांपल लेते कौन ना स्पंज आउ व्वाटर यहाँ व्वाटर नहीं तो कौन स्पंजटा रखीदे गोटे कंटेनर से व्वाटर डाले कौन है ना स्पंज ता भितर यूनिफर्मली एब्जॉर्ब करना क्या ना व्वाटर को तार सब पार्ट्रे यूनिफर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गला कौन ना व्वाटर हो गला से गोटे एग्जांपल आम भी नहीं पार्बा टी बिस्कुट नहीं पार्बा आउ कौन चॉक व्वाटर भी नहीं पार्बा एग्जांपल तो एब्जॉर्प्शन जो पड़े से दुटा टर्म आसला दुटा टर्म कौन ना एब्जॉर्बेट आउ एब्जॉर्बेंट ना जी व्वाटर आउ स्पंज ने कि टी बिस्कुट ने कि चॉक व्वाटर ने भितर एब्जॉर्बेट कौटा एब्जॉर्बेंट कौटा एब्जॉर्बेट कौटा है ना जी कौन है जी जहाँ को सुसा है ना जहाँ को एब्जॉर्ब करागला जमी व्वाटरटा एब्जॉर्ब करागला कहवा कौन एब्जॉर्बेट जोटा सल्यूट आउ जी एब्जॉर्ब कला कहवा कौन ना एब्जॉर्बेंट जी एब्जॉर्ब कर सी एब्जॉर्बेंट जहाँ को एब्जॉर्ब करा जीवो सी हूँ कौन ना एब्जॉर्बेट तो सल्यूटा को कौन कर ना एब्जॉर्ब करा जीवो जोटा को एब्जॉर्बेट कहगला आउ सल्भेन्टा कौन कर एब्जॉर्ब कर कहगला एब्जॉर्बेंट कहगला सल्भेन्ट एब्जॉर्बेंट सल्यूट आउ एब्जॉर्बेट सेमती आम देखिले कौन ना ये व्वाटरटा एब्जॉर्बेट आउ एब्जॉर्बेंट आज स्पंज माने व्वाटरटा को एब्जॉर्ब कला किए ना स्पंज सेमती ये बिस्कुटा एब्जॉर्ब कला क्या टी को ताले ये कौन हम बिस्कुटा कौन हम ना एब्जॉर्बेंट हम टीटा कौन हम ना एब्जॉर्बेट हम सेमती चॉक आउ व्वाटर कौन हम ना व्वाटरटा कौन हम व्वाटरटा कौन हम एब्जॉर्बेट चॉकटा कौन हम चॉकटा सुशिला चॉकटा निज भितर को व्वाटर नाला सी कौन हम ना एब्जॉर्बेंट हम क्लीअर तो एब्जॉर्प्शन बुझिपार सब नेक्स्ट जी कौन ना गोटे नुआ टर्म नुआ जानव एब्जॉर्प्शन तो आगु जानी एवं जानवा कौन ना एडजॉर्प्शन कौन एडजॉर्प्शन कौन नुआ टर्म गोटे कौन ना ये बी बदले डी हो कौन हो ना एडजॉर्प्शन कौन हम ना एडजॉर्प्शन कौन अच्छा एब्जॉर्प्शन तो बुझ
एडजर्पसन कौन लिख फर्स्ट डेफिनेशन लिख तापर मुझ तार एग्जांपल दे कि पूरा बुझेदेवी कि टेंशन नहीं बहुत इजी लगे लिख इट इज ए फेनोमेना इट इज ए फेनोमेना इन ह्विच इट इज ए फेनोमेना इन ह्विच वन सब्सटेंस One substance accumulates on the surface of another substance another substance in higher concentration kon hela it is a phenomena in which one substance accumulates on the surface of another substance one substance accumulates on the surface of another substance इन हायर कनसेंट्रेसन हायर कनसेंट्रेसन कौन हम गोटे सब्सटेंस आ गोटे सरफेस सब्सटेंस सरफेस रे भितर को जाऊला ये सरफेस रे सरफेस रे एक्युमुलेट होकर माने रोपर लगिक रुक कह ना एडजॉर्प्शन गोटे एग्जांपल दौर देख एग्जांपल एग्जांपल लेख तुम जो स्कूल पाठ पढ़ी थो सब सार मैंने लिखती कौन ब्लाकबोर्ड लिखती ब्लाकबोर्ड लिखती ये ब्लाकबोर्ड लिखते सार मैंने सब तो सार मैंने लिख चक्रे लिखती तो कौन हम ना से सरफेस जो लेखा हो ब्लाकबोर्ड जो फाका जगार अच्छे से ही जगार कौन सरफेस चक लिखा हो चक लेखाटा कौन ब्लाकबोर्ड भितर को जाऊँच कि ना सरफेस लाइक रोज सरफेस लाइक रोचे सी गोटे कह एग्जांपल हम ना एडजॉर्प्शन से कहला परा इट इज ए फेनोमेना इन ह्विच वन सब्सटेंस एक्युमुलेट ऑन द सरफेस सरफेस लिखा हो ब्लाकबोर्ड सरफेस लिखाला से भितर गलानी ब्लाकबोर्ड भितर यूनिफर्म नहीं गलानी जब ये लिखाई थोड़ा ये लिखाई नीति लिखाई थे ये लिखाई नीत यूनिफर्म ही ना कि स्पंज्रे कौन वाटर होता यूनिफर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती कौन हम ना यूनिफर्मली जीवनी आउ सरफेस रपंज भितर को वाटर होता है एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन भितर को जीवनी तो सरफेस ऊपर सरफेस लाख रोज या ऊपर सरफेस व्हाइट बोर्ड ऊपर मुझे लिखुची भितर लिखुची ऊपर लिखुची ये कौन गोटे एब्जॉर्प्शन एग्जांपल आउ कौन हो पारे एग्जांपल आउ गोटे एग्जांपल लेख कौन हो पार तुम जानी ना सिलिका जेल सब देखी थो जानी पार देख जो नुआ बैग कि जोता किसी कैमेरा कि लैपटॉप कि बैग भितर गोटे छोट व्हाइट कलर पाउच थी आउच भितर काच टाइप गोल गोल दाना सब थी तो सीए कौन ना सिलिका जेल सीए कौन करे ना मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करे आउ से एब्जॉर्ब करे ता भितर को नियेनी ता सरफेस रे आकी रखे सीए गोटे कारो ना एडजॉर्प्शन रो गोटे एग्जांपल से एडजॉर्ब करे मॉइस्चर को ता सरफेस रे से भितर को नियेनी जो जिनटा भितर को नेला से एब्जॉर्प्शन जो जिनटा सरफेस रहला सेटा कौन ना एडजॉर्प्शन बुझियाला तो जेमिते आमे एडबॉ एब्जॉर्प्शन ने दीरा टर्म पाइथले कौन एब्जॉर्बेट आउ एब्जॉर्बेंट सेमते ए दीरा टर्म कौन पाइबा ना एडजॉर्बेट आउ एडजॉर्बेंट एडजॉर्बेट आउ एडजॉर्बेंट अच्छा ये एडजॉर्बेट कोटा कह एडजॉर्बेंट कोटा कह एडजॉर्बेट क्या कह ना चक चकटा एडजॉर्ब होची चकटा ब्लाकबोर्ड सरफेस एडजॉर्ब होची तेणु चकटा कौन कह जोटा एडजॉर्ब है सी हूँ एडजॉर्बेट चकटा एडजॉर्ब होची मैं चकटा ब्लाकबोर्ड सरफेस रूप लगुच सी एडजॉर्ब होची जो जिनसा एडजॉर्ब है कह एडजॉर्बेट तेणु ये एडजॉर्बेट क्या कह चकटा को एग्जांपल कौन हम ना चक ये ब्लाकबोर्ड आ चक धर ब्लाकबोर्ड यहाँ धर चक ताले चकटा जोटा एडजॉर्ब है सरफेस कह एडजॉर्बेट आउ जी एडजॉर्ब करेला सी हूँ एडजॉर्बेंट माने एडजॉर्बेंट कोटा एडजॉर्बेंट कोटा तार एग्जांपल कोटा ना ब्लैकबोर्ड
ସେମିତି ସିଲିକା ଜେଲ୍ରେ କେଉଁଟା ହେବ ନା ଆଡଜର୍ବେଣ୍ଟ ହେବ ସିଲିକା ଜେଲ୍, ମଏଶ୍ଚର୍ଟା ହେବ କ'ଣ ନା ଆଡଜର୍ବେଣ୍ଟ। ସେ ମଏଶ୍ଚର୍ଟାକୁ ଯେଉଁଟା ଆଡଜର୍ବ ହେଲା, ମଏଶ୍ଚର୍ଟା ଆଡଜର୍ବ ହେଲା, କିଏ ଆଡଜର୍ବ କଲା ନା ଆମର ସିଲିକା ଜେଲ୍ ଆଡଜର୍ବ କଲା। ଯିଏ ଆଡଜର୍ବ କଲା ସିଏ ହେଉଛି ଆଡଜର୍ବେଣ୍ଟ, ଯେ ଆଡଜର୍ବ ହେଲା ସିଏ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଆଡଜର୍ବେଣ୍ଟ। ତ ଆଡଜର୍ବେଣ୍ଟ ଆଉ ଆଡଜର୍ବେଣ୍ଟ ବି ଜାଣିପାରିଲ। ତ ସେମିତି ଆଡଜର୍ବେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ନା ସଲ୍ୟୁଟ, ଆଡଜର୍ବେଣ୍ଟଟା ସଲ୍ୟୁଟ ଆଉ ଆଡଜର୍ବେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ନା ସଲ୍ଭେଣ୍ଟ, ବେଣ୍ଟ ସଲ୍ଭେଣ୍ଟ ବେଟ୍ ସଲ୍ୟୁଟ। ସେଠି ସେମିତି ଆବଜର୍ବେଣ୍ଟଟା ଥିଲା ସଲ୍ୟୁଟ, ଏଠି ଯେମିତି ଆଡଜର୍ବେଣ୍ଟଟା ହେଉଛି ସଲ୍ୟୁଟ। ସେଠି ଆବଜର୍ବେଣ୍ଟଟା ଥିଲା ସଲ୍ଭେଣ୍ଟ, ଏଠି ସେମିତି ଆଡଜର୍ବେଣ୍ଟଟା ହେଉଛି ସଲ୍ଭେଣ୍ଟ। ମନେ ପକା, ଖାଲି ଗୋଟେ ଡି ଆଉ ବିର ଫରକ, ଏଇଠି ଡି ଲାଗୁଛି ଏଠି ବି ଲାଗୁଛି। ଆବଜର୍ବ ଯେଉଁଟାକୁ ଭିତରକୁ ନେଲା, ଆଡଜର୍ବ ଯେଉଁଟା ସର୍ଫେସ୍ ଲାଗିଲା, ଏତିକି ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା। ତ ଜାଣିପାରିଲ ଆଡଜର୍ପସନ୍ କ'ଣ? ଆଉ ଥରେ ଡେଫିନେସନ୍ କହିଦେଉଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫେନୋମେନା ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଏକ୍ୟୁମୁଲେଟ୍ ଅନ୍ ଦି ସର୍ଫେସ୍ ଅଫ୍ ଏନଦର୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଇନ୍ ହାୟର୍ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍। ତାକୁ କହିବା କ'ଣ ନା ଆଡଜର୍ପସନ୍। ଆଡଜର୍ପସନ୍ ସବୁ ବୁଝିପାରିଲ, ଆବଜର୍ପସନ୍ ସବୁ ବୁଝିପାରିଲ। ଏବେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା ଆମେ ଆଡଜର୍ପସନ୍ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଆକୁ ଆକୁ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇଟା ସର୍ଫେସ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ଆମେ ସର୍ଫେସ୍ ଉପରେ ରିଲେଟେଡ୍ ବେଶୀ ପଢ଼ିବା। ତ ଆଡଜର୍ପସନ୍ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା, ଆଡଜର୍ପସନ୍ କେତେ ଭାଗରେ ଡିଭାଇଡେଡ୍, କ'ଣ କ'ଣ ଆଡଜର୍ପସନ୍ କାହିଁକି ହୁଏ, ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଲେଖ, ଆଡଜର୍ପସନ୍ ଇଜ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇନ୍ଟୁ ଟୁ ଟାଇପ୍ସ, ଇନ୍ଟୁ ଟୁ ଟାଇପ୍ସ। ଫାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଲେଖ ନା, ଫାଷ୍ଟ ୱାନ୍ କ'ଣ ନା ପଜିଟିଭ ଆଡଜର୍ପସନ୍, ପଜିଟିଭ ଆଡଜର୍ପସନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ସେକେଣ୍ଡଟା ନା ନେଗେଟିଭ, ନେଗେଟିଭ ଆଡଜର୍ପସନ୍। ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ପଜିଟିଭ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ, ପଜିଟିଭ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଗୋଟେ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ତ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା ପଜିଟିଭ ଆବଜର୍ପସନ୍ କ'ଣ। ଲେଖ, ପଜିଟିଭ ଆବଜର୍ପସନ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମୁଁ ନେଗେଟିଭଟା ଲିଭେଇ ଦେଉଛି, ପଜିଟିଭ ପଢ଼ିଲା ପରେ ନେଗେଟିଭ ପଢ଼ିବା। ଫାଷ୍ଟ ପଢ଼ିବା କିସ ନା ପଜିଟିଭ, ପଜିଟିଭ ଆଡଜର୍ପସନ୍। ଡେଫିନେସନ୍ ଲେଖ ପଜିଟିଭ ଆଡଜର୍ପସନ୍ କିସ ନା, ଇଫ୍ ଲେଖ, ଇଫ୍ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍, ଇଫ୍ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଆଡଜର୍ବେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ମୋର୍, ଆଡଜର୍ବେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ମୋର୍ ଏଟ୍ ଦି ସର୍ଫେସ୍ ଅଫ୍, ଏଟ୍ ଦି ସର୍ଫେସ୍ ଅଫ୍ ଏଟ୍ ଦି ସର୍ଫେସ୍, ଏଟ୍ ଦି ସର୍ଫେସ୍ ଅଫ୍ ଲେଖନି, ଏଟ୍ ଦି ସର୍ଫେସ୍, ଏଟ୍ ଦି ସର୍ଫେସ୍ ଏଚ୍, ଏଟ୍ ଦି ସର୍ଫେସ୍ ଏଚ୍ କମ୍ପେୟାର୍ ଟୁ ଇଟ୍ସ, ଏଚ୍ ଦି ସର୍ଫେସ୍ ଏଚ୍ କମ୍ପେୟାର୍ ଟୁ କମ୍ପେୟାର୍ ଟୁ ଇଟ୍ସ କମ୍ପେୟାର୍ ଟୁ ଇଟ୍ସ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଇନ୍ ଦି ବଲ୍କ ଫେଜ୍, ଇନ୍ ଦି ବଲ୍କ ଫେଜ୍ ଇଚ୍ ପଜିଟ ଇଚ୍ ନନ୍ ଏଚ୍ ଇଜ୍ ନନ୍ ଏଚ୍ ପଜିଟିଭ ଆଡଜର୍ପସନ୍। କ'ଣ କହିଲା, ଇଫ୍ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଆଡଜର୍ବେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ମୋର୍ ଆଟ୍ ଦି ସର୍ଫେସ୍ ଅଫ୍ ସର୍ଫେସ୍ ଏଚ୍ କମ୍ପେୟାର୍ ଟୁ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଦି ବଲ୍କ ଫେଜ୍ ଇଜ୍ ନନ୍ ଏଚ୍ ପଜିଟିଭ। ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ ନା ଆଡଜର୍ବେଣ୍ଟର ଯଦି କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବେଶୀ ଥିବ ସର୍ଫେସ୍ରେ କାହାଠୁ
ना एडजर्बेंट अपेक्षा कनसेनट्रेसन बेसी थी ता कह आम पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन एडजर्बेट इज मोर एट द सरफेस ता कह कौन पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन ताले नेगेटिव का कह ना नेगेटिव का कह ना नेगेटिव एडजॉर्प्शन का कह इफ कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट इज लेस एट द सरफेस एज कंपेयर टू इट्स कंसंट्रेशन इन द बल्क फेज इज नॉन एज ना नेगेटिव एडजॉर्प्शन कौन कहला ये एडजॉर्बेट रो कंसंट्रेशन कौन थी ना लेस थी ये एडजॉर्बेट रो कंसंट्रेशन कौन थी ना मोर थी जेटी एडजॉर्बेट रो कंसंट्रेशन लेस थी सी हूँ नेगेटिव जेटी एडजॉर्बेट रो कंसंट्रेशन हाई थी सी हूँ कौन ना पॉजिटिव जानपारल ना नेगेटिव कौन पॉजिटिव कौन ना नेगेटिव एडजॉर्बेट कौन पॉजिटिव एडजॉर्बेट कौन तो जदि आम एटा को माने जदि पढ़ला डेफिनेशन ताल तुम लेखिपार पॉजिटिव एडजॉर्प्शन कौन नेगेटिव एडजॉर्प्शन कौन ना जेथिरे आमर एडजॉर्बेट रो अमाउंट बेसी सरफेस रे बेसी बल्क फेज सेठी कौन हम ना हूँ पॉजिटिव एडजॉर्प्शन आ जोटी आमर एडजॉर्बेट रो परिमाण लेस सेठी हूँ कौन ना आमर कौन लेस सरफेस सेटा कौन हम ना नेगेटिव हम बल्क फेज माने जान बल्क फेज जो कौन तुम जब बल्क फेज रो मीनिंग जान पार न बल्क फेज बीएल के बल्क फेज मीनिंग होची टू मच जोटी एक्सेस थी एक्सेस अमाउंट जो थी जो कथा से सरफेस जी थी कथा पूरा एक्सेस अच्छे भी जदि आम एडजॉर्बेट रो अमाउंट बेसी अच्छी सेटा कह पॉजिटिव जो सरफेस जी थी से कम अच्छी ताले बल्क फेज माने टू मच जान था वाला बल्क फेज माने कौन ना टू मच हैला तापर लिखा पढ़िया कौन ना रीजन ऑफ एडजॉर्प्शन कौन पढ़िया ना रीजन ऑफ समझे बुझी पार पॉजिटिव नेगेटिव कौन तापर नेक्स्ट जीवा कौन ना रीजन ऑफ एडजॉर्प्शन कौन आसव ना रीजन ऑफ एडजॉर्प्शन एडजॉर्प्शन हुए कहीं एडजॉर्प्शन हुए कहीं लेख टू बैलेंस द अनबैलेंस फोर्सेस द मेन थिंग कौन टू बैलेंस द अनबैलेंस्ड फोर्सेस आमर एडजॉर्प्शन हुए कहीं ना मेन थिंग हूँ टू बैलेंस दि अनबैलेंस फोर्सेस तो बैलेंस दि अनबैलेंस फोर्सेस हुए केमी आम ए देखा हौ देख आम गोटे कंटेनर ने गोटे मॉलिक्यूल अच्छी कि कंपाउंड अच्छी कंपाउंड भी तो मॉलिक्यूल था ना मॉलिक्यूल अच्छी गोटे मॉलिक्यूल अच्छी से मॉलिक्यूलटा कौन तार उपरे गोटे मॉलिक्यूल को सराउंडिंग करता उपरे गोटे मॉलिक्यूल थी तले गोटे मॉलिक्यूल थी साइड गोटे मॉलिक्यूल थी एपट साइड लेफ्ट साइड गोटे मॉलिक्यूल थी माने सराउंडिंग करके मॉलिक्यूल थे माने ये मिडिल मॉलिक्यूल उपरे गोटे थी एटी गोटे थी एटी गोटे थी एटी गोटे थी मॉलिक्यूल थे ताहले ये मॉलिक्यूलटा कौन हो ना कौन हो बैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी ये कौन हो
ना ए मॉलिक्यूलटा कौन थी ना बैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी बैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा पूरा पूरी सराउंडिंग रे मॉलिक्यूल अच्छे तो ये बैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छे आउ कौन थी स्टेबल स्टेबिलिटी थी जेहेतु ये चारिड़ घेरिक अच्छे मैंने कौन स्टेबुल 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 ड्यू टू सराउंडिंग मॉलिक्यूल सराउंडिंग मॉलिक्यूल अच्छा कौन है फास्ट बैलेंस है अच्छी फास्ट बैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छी चारिड़ घेरिक अच्छे बोली तो स्टेबुल अच्छी चारिड़ घेरिक अच्छे बोली मैंने सराउंडिंग रे मॉलिक्यूल अच्छी घेर आँ हम ना जेहेतु ये बैलेंस जेहेतु ये स्टेबुल यार एनर्जी भी कम थी एनर्जी लेस जी स्टेबुल थाए तार एनर्जी कम थाए बुझिपार तो ये गला गोटे तो आउ गोटे कंटेनर ने सेमती आउ गोटे कंटेनर ने सेठी कौन हैला एटा को तो मॉलिक्यूलटा टे भितरे थिला सेठी कौन हैला जो सॉल्यूशन टा नेले एटा मॉलिक्यूल अछि ये सरफेस रे अछि ये सरफेस जो अछि ये तीन आड़ घेरी के अछि तीन आड़ मॉलिक्यूल ता घेरी के अछि उपर आड़ वैकेंट अछि कौन अछि ना उपर आड़ वैकेंट अछि तो जो वैकेंट अछि ये कौन हैला ना निहाती ये थिबो कौन हम ये अनबैलेंस थी अनबैलेंस ड्यू टू कौन ना थ्री फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अनबैलेंस्ड ड्यू टू थ्री फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थ्री फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैं तीन टा मॉलिक्यूल घेरिक अच्छा आउ गोटे घेरिक कौन ना सामान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पड़ी था उपर आड़ मॉलिक्यूल ना सरफेस अच्छी तो ताको तीन आड़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलूँ बोली से कौन अच्छे ना अनबैलेंस अच्छी आउ कौन अच्छी अनस्टेबुल ड्यू टू अनबैलेंस अनबैलेंस अच्छी मानते कौन ना अनस्टेबुल अच्छी अनस्टेबुल ड्यू टू ना अनबैलेंस जदि से बैलेंस था तो स्टेबुल था अनस्टेबुल अच्छी मानते अनबैलेंस अच्छी आउ कौन है पारिबो आउ कौन है पारिबो अनस्टेबुल सो मोर रिएक्टिव अनस्टेबुल अनस्टेबुल सो मोर रिएक्टिव जेहेतु ये अनस्टेबुल से मोर रिएक्टिव हेतिबो अच्छा बुझिपाल ये स्टेबुल लौच ये अनस्टेबुल लौच कारण या चारिड़ घेरिक अच्छे स्टेबुल से ये चारिड़ घेरिक ना बोली अनस्टेबुल आउ बहुत रिएक्टिव भी जेहेतु से अनस्टेबुल बैलेंस ना से बहुत रिएक्टिव भी हेतिबो तो ये कौन करिबो जदि ता कांटेक्ट रे गोटे अननोन मॉलिक्यूल आसीबो से कौन चाहिबो एई मॉलिक्यूलटा आसिकी ताको उपर आड़ माने घेरू आउ कौन करिबो ना ताको स्टेबल करू ताको से चाहिबो से एई मॉलिक्यूलटा आसिकी तार एई जगह लागू आउ कौन हबो से जगह लागिले से कौन हेइजिबो ना कौन हेइजिबो ना से स्टेबल हेइजिबो आउ स्टेबल हेला पर कौन करिबो से रेस रिएक्टिव हेइजिबो आउ कौन करिबो जेतेबेले एई मॉलिक्यूलटा जो आउटर मॉलिक्यूलटा जे आसिकी ताको पर लागिया को चेष्टा करिबो से लागिबो सेतर कौन नाउ ना एनर्जी रिलीज रहबो एनर्जी रिलीज्ड बुझिपारल कि नहीं देख ये तीन आड़ घेरिक अच्छे जदि आउ गोटे अनोन मॉलिक्यूल ता कंटाक्ट्रे आए कौन कर ना ये आसिकी तार फुलफिल कलु सी कौन चाहिए ना ताको चारिड़ घेरिक रो ये जमीन चारिड़ घेरिक अच्छे स्टेबुल अच्छी ये भी चाहिए मुझे स्टेबुल हेबी कौन सी मॉलिक्यूल चाहती से अनस्टेबुल होकर रोक सी भी चाहिए कौन मुझे स्टेबुल हेबी आउ थे से स्टेबुल हम मैंने से कौन एनर्जी रिलीज कर जीवो एनर्जी रिलीज कर माने से कौन एनर्जी लेस एनर्जी को पळे आसीबो ये अनस्टेबल थिला मोर एनर्जी रे पळे आसीला ताले के सो एनर्जी रिलीज करिवो ताले एडजॉर्प्शन टा कौन हैला गुटे एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैला ताले एटा कौन गुटे एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैला आ ये कौन हैला ना सरफेस रे होउछ ये कौन हैला ना सरफेस रे होउछ बुझी पारल ये सरफेस रहला आउ अनबैलेंसटा को बैलेंस कला आउ एनर्जी रिलीज हैला से गोटे एक्जोथर्मिक है तो ताहले जानी पारल एडजॉर्प्शन कौन हैला ना टू बैलेंस दि अनस्टेबल फोर्सेस जो अनस्टेबल ये थिला गोटे आउ गोटे मॉलिक्यूल ता जते कांटेक्ट रे आसला से निजको बैलेंस करिया चेष्टा कला जो थिरे से एनर्जी रिलीज कला आउ से बैलेंस हैला आउ बैलेंस है कि जो एनर्जी रिलीज कला से गोटे
एक्जोथर्मिक प्रोसेस है जी एनर्जी रिलीज करे से कौन ना एक्जोथर्मिक प्रोसेस हुए ताले रीजन ऑफ एडजॉर्प्शन कौन बुझी पार्लो ताले तार डेफिनेशन कौन लिखा ना लिखो एना समस्ते नोट खाते लिख दे कर दे डायग्राम टा गोटे थे बैलेंस अच्छी गोटे थे अनबैलेंस अच्छी ये बैलेंस करते गोटे आउटर मोस्ट जो आउट मॉलिक्यूल ता कांटेक्ट रे ये बैलेंस करा चाहिए ये बैलेंस करा माने कौन एनर्जी रिलीज करे तो ये बैलेंस हो जो ये आसी ये लग जाते कौन कर ये बैलेंस हो गला जो बैलेंस है से एनर्जी कौन रिलीज कर जेहेतु एनर्जी रिलीज कर एक्जोथर्मिक प्रोसेस आउ अनबैलेंस को बैलेंस करवाटा को कि कहवा कौन ना एडजॉर्प्शन जेहेतु ये सरफेस रोचे तेणु एडजॉर्प्शन टा कौटे हुए ना सरफेस रे बुझिपाल ना रीजन ऑफ एडजॉर्प्शन तार डेफिनेशन एवं लिखा डेफिनेशन कौन हम ना लेख इन ऑर्डर टू In order to balance the unbalanced forces of the surface molecule of the surface molecule if any species comes contact with the surface molecule, this process is known as adsorption. कौन है ना आम देखे सरफेस थी तार ऊपर आड़ किसी मॉलिक्यूल ताकू घेई नथिले तो सीए कौन कला गोटे आउटर मोस्ता संस्पर्श से जोटा आसला ता सराउंडिंग रे जदि गोटे आसला ताले सीए कौन चाहिए से मॉलिक्यूलटा आसिक बैलेंस करू ता ऊपर घेरिकी रहू बैलेंस करू बैलेंस कले कौन हम एनर्जी रिलीज है आ सी गोटे कौन एक्जोथर्मिक प्रोसेस है आम ये लिखीद दिस इज अल्सो ए एक्जोथर्मिक प्रोसेस बुझाला ताले एडजॉर्प्शन टा कौन ना माने हमर एक्जोथर्मिक प्रोसेस तो मो सहित समस्त डेफिनेशन गुड़ा भल से खातार नोट डाउन करथबो एटी मेन जिन होछि डेफिनेशन ए डेफिनेशन ही परीक्षा रे पड़े आउ बहुत इंपोर्टेंट डायग्राम जो डायग्राम गुड़ा मु करि जाउछ से डायग्राम को भी देखो या आगर जो रीजन ऑफ एडजॉर्प्शन जो मु कली डायग्राम से डायग्राम टा करथिबो आउ मु भाबु छी आज जति पढ़ैली एब्जॉर्बेट एब्जॉर्बेंट एडजॉर्बेट एडजॉर्बेंट एब्जॉर्प्शन एडजॉर्प्शन आ पॉजिटिव आ नेगेटिव एडजॉर्प्शन आ रीजन ऑफ एडजॉर्प्शन कोन तो भलसे बुझिपारे जो मैंने बुझिपार न भिडियोटा को आउ थे देख बारंबार देख तथा तो डाउट रहा मत कमेंट्स जनाओ जो सार ये बुझिपारे ये असुविधा है तो तेणु थैंक यू नेक्स्ट क्लास में पुणी आगे पढ़ा।